सदम्म सवण पिचो बुधानुपाद। तो मानव का जन्म यानी बहुत ही अनमोल है और उसके साथ साथ बहुत मानव का जन्म बहुत कठिन भी है, लेकिन धम्म श्रवण करने को मिलना, अच्छा धम्म श्रवण करने को मिलना, उसी से क्या होने वाला है, बुद्ध की निर्मिति होने वाली। तो मानव ने, हर मानव ने अपना जो जीवन है धम्म के राह पर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, वही मानव जन्म का अर्थ है, वही व्यक्ति अपने जीवन को अर्थ प्राप्त कर दे सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। और एक धम्मपद में ऐसा कहते हैं, अंधभूति ए लोगो तनुकेत विपस्ति सकुंतो जाल मुत्तो अपो सगाय गचन। ये जग कैसा है, अंधा है, और इस जगत में समझो आपने इंडिया में कितने 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, लेकिन आज आपने ध्यान संध्या में कितने सम्मिलित हुए हैं, यानी बहुत ही आध्यात्मिक जीवन की ओर बहुत कम लोग बढ़ सकते हैं। जिनका जिनका प्रज्ञा का दीपक जल रहा है, ऐसे ही मानव इस ध्यान संध्या में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे तो 140 करोड़ लोग हैं, कि जैसा कि क्या कहते हैं कि एकादा शिकारी क्या करता है, उसके जाल में पंछी को पकड़ लेता है, लेकिन पंछी क्या होते हैं, उससे भी उस जाल को तोड़कर आगे चले जाते हैं। वैसा ही इस समूचे जगत में जो भी लोभ है, द्वेष है, मोह है, उसको पार कर आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना यह हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। भगवान बुद्ध कहते, कोनो आंसू की मानंदो नीच पजलिस सती अंधकारे न वोनंदा पदीप न गवेसत। भगवान बुद्ध कहते, आपको कैसा हंसी आ रही है, कैसा आनंद आप मना रहे हैं, क्योंकि यह जगत कैसा हो रहा है, लोभाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि से जल रहे हैं, और प्रज्ञा का दीप आप कब जलाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, अपने प्रज्ञा का दीपक को जलाना है और उसको प्रज्वलित करके आध्यात्मिक की जीवन की राह पर आगे बढ़ना है। और इसी से क्या होता है, इदम ओदति पेच मोदति कतपुओ उभयत मोदति सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम्म विशुद्ध मतनो। जो आध्यात्मिक जीवन पर चलता है, जो आध्यात्मिक राह पर चलता है, वो यहाँ पर इस जीवन में सुखी रहता है और इस बात के जीवन में भी वो सुखी रहता है। और मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उस अच्छे कर्म को देखकर और बहुत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। तो ये लाभ उठाने के लिए इस ध्यान संध्या में सम्मिलित होना है और अपना जीवन अत दीप भव, जैसा भगवान बुद्ध कहते अत दीप भव, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी कहते हैं, तो अंतर का दीप अपने को जलाना है और आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना है। तो आज का ये जो ध्यान संध्या है, मेता भावना विकास ध्यान साधना, तो इसमें इस मेता भावना को सकारात्मक भावना भी कहते हैं, और इस सकारात्मक भावना का विकास करना, यानी कुशल भावना का विकास करना, ये सबसे बड़ी बात है अपना जीवन जीते वक्त। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, सकारात्मक भावना का विकास करना है। ये सकारात्मक भावना का विकास करते वक्त अपने को कभी यानी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, कभी दुख नहीं होता है अपनी जिंदगी में, तो इसलिए सकारात्मक भावना का विकास करना है। और ये भावना यानी विकास, इस भावना का अपने को विकास करना है, क्योंकि अपने चित्त में यानी तीन प्रकार की भावना है, सुखद भावना, दुखद भावना और त्रेस्त भावना, असुखद अदुखद। ये तीन भावना का विकास करना, यही मानव के जीवन का अंतिम ध्येय है। तो इस वेदना का विकास करना है अपने को इस ध्यान साधना की वजह से। भावना यानी मन का कर्म है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये ब्रह्म विहार की अवस्था यानी मेत्ता विकास कहते हैं। इस मेत्ता भावना में अपने को विहार करना है, जिसको मेत्ता विहारी कहते हैं। यदि अपना जीवन सुसंस्कृत बनाना है,
अपना जीवन यदि सुसंस्कृत बनाना है तो अपने चित्त में सकारात्मक भाव विकास करना है, ये अपन ठान लेना है। क्योंकि अपना जीवन सुसंस्कृत बनाने का है, अपना जीवन महान बनाने का है, तो मन अपने चित्त में सकारात्मक भावना का विकास करना है। जैसा कि ये सकारात्मक कर्म करने से हर कर्म करने के आगे अपना मन रहता है, तो ऐसा कहते हैं कि जैसा अपने चित्त में यदि सकारात्मक भाव है तो ये छाव जैसी रात और दिन अपने साथ में रहती है, वैसा ही कुशल भावना और कुशल कर्म या सुख अपने साथ में रहता है। और यदि अपने चित्त में नकारात्मक भाव है तो अपने जैसा ये बैल गाड़ी के पीछे जो चक्का रहता है, वैसा ही हमेशा उस व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है। तो इसीलिए अपने चित्त में कौन सा भाव अपने चित्त में रखना, यानी नकारात्मक भाव रखना या सकारात्मक भाव रखना, इसके बारे में अपने सोचना है, चिंतन करना है। तो सकारात्मक भावने से अपन संबोधि की पाथ की ओर बढ़ सकते हैं, निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं, यदि सकारात्मक भाव अपने चित्त में है। तो ये सकारात्मक भावना का हमने विकास करना है, ये ध्यान साधना के वजह से, मेत्ता भावना ध्यान साधना के वजह से। यदि सकारात्मक भाव अपने चित्त में नहीं है तो नकारात्मक भावना अपने चित्त में आती है। जैसे खेती में मशागत नहीं की तो वहां पे घास उगती है, घास आती है, वैसे ही अपने चित्त में यदि पॉजिटिव भाव नहीं है तो वहां पे नकारात्मक भाव आते हैं। तो करणीमय सूक्त में कहते हैं भगवान बुद्ध कि जिस व्यक्ति को शांति पद का ज्ञान प्राप्त करना है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और उसकी वाणी मृदु और विनीत और सभ्य होना चाहिए, तो वही व्यक्ति निर्वाण की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए अपने को सकारात्मक भाव अपने चित्त में रखना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, यानी इस जगत में जो कुछ दुख है वो क्यों है, मानव का यानी अनुचित व्यवहार की वजह से ये दुख निर्माण होता है। तो इसीलिए अपने को अनुचित व्यवहार के बजाय सकारात्मक भाव यदि मन में रखे तो बहुत ही अच्छी तरह से सुखमय अपना जीवन चल सकता है और अच्छी तरह से अपन बुद्धत्व के राह पर चल सकते हैं। सकारात्मक भावना से क्या हो सकता है, अपने अंदर का जो स्व है उसके ऊपर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं और आप पर भेद के ऊपर अपन चल सकते हैं। और इसीलिए अपने को यह सकारात्मक भाव अपने चित्त में निर्माण करना है। तो ये सकारात्मक जो भाव है, सकारात्मक जो हेतु है, यह अपन कैसा निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए भगवान बुद्ध ने यानी 6 बातें बताई है। तो पहला पॉइंट उसमें कहा है स्मृति सांप्रजन्य का सराव करना। यदि सकारात्मक भाव अपने चित्त में निर्माण करना है, उसका विकास करना है, तो स्मृति सांप्रजन्य यानी स्मृति यानी वर्तमान में रहने के लिए मदद होती है यदि स्मृति अपने चित्त में है तो। और सांप्रजन्य यानी अपने हेतु के बारे में सजग रहते, तो इसको अपन स्मृति सांप्रजन्य कहते हैं। तो उसी के वजह से अपन वर्तमान में रह सकते हैं और अपने हेतु के बारे में अपन सजग रह सकते हैं। काया वाचा और जो मानसिक कर्म है वो बहुत ही स्मृति के साथ अपन करते हैं, तो हमेशा अपन खुद को प्रश्न पूछना चाहिए, कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए, एक सवाल पूछना चाहिए, एक मानव करके विकसित होने के लिए मुझे कितना फायदेमंद है सकारात्मक भावना, ये अपन खुद को पूछना चाहिए। क्योंकि सकारात्मक भावना से ही अपने जीवन का लाभ हो सकता है, अपने जीवन में अपन निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अपने को ये स्मृति सांप्रजन्य का सराव करना है। यदि अपने चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण करना है तो अपने को स्मृति सांप्रजन्य का हमेशा सराव करना है, ऐसे भगवान बुद्ध का वचन है। दूसरा मुद्दा भगवान बुद्ध कहते हैं रिक्तता निर्माण करना, यानी ज्ञाप देना, यानी कौन सा भी कर्म करते वक्त दो घटना में ज्ञाप निर्माण करना है, ज्ञाप देना चाहिए, रिक्तता निर्माण करना चाहिए। और यदि अपन समझो ये कर्म कर रहे हैं
और ये कर्म करने के बाद यानी दूसरा कर्म उसके बाद जल्दी से आपने यदि अपनाया तो क्या हो सकता है, पहले कर्म का जो जो उसका परिणाम है वो दूसरे कर्म पर फिर भी हो सकता है। और ये जो काम है सिर्फ यंत्र ही कर सकता है, एक के बाद एक बात ये कर्म कर सकता है, मानव लेकिन कर नहीं सकता है। मानव के लिए लेकिन स्मृति के साथ कार्य करना है तो एक कर्म स्मृति के साथ करने के बाद और जब दूसरा कर्म हाथ में लेते हैं तो अपन वहां पे गैप देना चाहिए, थोड़ा सा ठहरना चाहिए और फिर बाद में दूसरा कर्म हाथ में लेना चाहिए, तो अपन दूसरा कर्म भी स्मृति के साथ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और जैसा यानी पहला कर्म करते वक्त अपने चित्त में यदि गुस्सा है, क्रोध है और जल्दी से जल्दी दूसरा कर्म करने लगे तो पहले कर्म का जो क्रोध आपने चित्त में है वो दूसरे कर्म में भी जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसका भी असर दूसरे कर्म पर भी हो सकता है। इसीलिए अपने चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण होने के लिए, अपने चित्त में स्मृति निरंतर रखने के लिए ये दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा मुद्दा है, रिक्तता निर्माण करना है, थोड़ा सा ठहरना है और उसके बाद दूसरा कर्म अपन हाथ में लेना है। तीसरी जो बात है, तीसरा पॉइंट है चिंतन करना, यानी चिंतन करने से सकारात्मक भाव अपने विकसित होता है और इसलिए अपने कुछ चिंतन करना है अपने मन को प्रकाशित करने के लिए, अपने मन में चित्त में प्रकाश निर्माण करने के लिए, धम्म की ज्योत निर्माण करने के लिए अपने कुछ चिंतन करना है और उसके लिए सकारात्मक भावना की जरूरत होती है। जैसा कि पहला ध्यान करते वक्त अपन वितर्क विचार चले जाते हैं और दूसरे ध्यान में अपन प्रीति की भावना में चले जाते हैं जो अपना शरीर और मन एकत्रित हो जाता है और तीसरे ध्यान में अपन प्रसन्न की अवस्था में चले जाते हैं और चौथे ध्यान में सुख और समाधि में एकाग्रता की भावना निर्माण हो जाती है। और इसीलिए एकाग्रता भावना जब अपने चित्त में निर्माण होती है तो ये प्रमोच्च यानी सकारात्मक भाव अपने मन में रहता है और इसीलिए चिंतन करने से अपने चित्त में सकारात्मक भाव का विकास होता है। इसलिए अपने को चिंतन करना है और अपने जीवन को आध्यात्मिक राह की तरफ और लोकोत्तर अवस्था की तरफ अपन बढ़ सकते हैं, इसलिए चिंतन करना। और चौथा जो पॉइंट है शील का निरंतर उसका आचरण करना, शीलों का आचरण करना है। शील क्या है? यही जीवन मार्ग है। शील यानी कल्याण का, अपने कल्याण का यानी प्रथम है और अंतिम में भी है और शील से ही अपने जीवन का अपन कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ये अपन कर्म करते वक्त यानी शील का यदि आचरण कर कर्म की जिम्मेदारी लेते हैं, हम खुद के प्रति और औरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, खुद के प्रति और औरों के प्रति सकारात्मक के लिए शीलों का निरंतर आचरण कर। इसीलिए शीलों का निरंतर आचरण किए तो अपने चित्त में अपने हृदय में सकारात्मक भाव निर्माण होता है। इसलिए क्या कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा, तीन रत्नों की खान, तीन लोगों की संपदा वसी, ऊपर जाती है, आप बाहर आती है। इसलिए पहले मित्रता करना है और या गहरा संपर्क करना है, ये पांचवा मुद्दा है और उसके वजह से आपके चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण करता होता है। और छठा जो पॉइंट है, सकारात्मक भावना ये संबोधि का मार्ग है। सकारात्मक भावना ये सृजक मन की अभिव्यक्ति है। सकारात्मक भाव यदि है तो अपना मन बहुत सृजक रहता है और अपन बुद्ध और धम्म और संघ को अपन क्या करते हैं, प्रतिसाद देते हैं। उनके बारे में अपने चित्त में अटमोस्ट श्रद्धा निर्माण होती है, बुद्ध धम्म संघ के बारे में।
और सभी कुशल कर्म का मूल क्या है, सकारात्मक भावना है। और जो पारमिता का जो फाउंडेशन है वो भी सकारात्मक भाव के ऊपर डिपेंड है, और इसीलिए अपने को ये सकारात्मक भाव यानी निम्बो या संबोधि का मार्ग है, पथ है के लिए अपने को भाव अपने मान करना। यानी जो व्यक्ति जागरूक है, जो विवेक से कर्म करता है और जिसका धम्म जीवन संयमी है, ऐसे अप्रमादी व्यक्ति के यश में निरंतर वृद्धि होती है, निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, जो जागरूक रहना है और सकारात्मक भाव मन में चित्त में निर्माण करना है और विवेक से हर कर्म करना है, वह व्यक्ति के यश में निरंतर वृद्धि होती है। भगवान बुद्ध ने वेळुवन में जब भगवान बुद्ध थे उन्होंने ये गाथा भगवान एक कुंभकोशक नाम के सावकार के बारे में कही है। एक कुंभकोशक एक श्रावस्ती में रहता है कुंभकोशक, और वहां पे एक प्लेग आ गया था, और प्लेग के साथ में जब उसके पिताजी ने, यह कुंभकोशक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा उसके पिताजी ने, अब तू यह गांव छोड़ के चले जा दूसरी तरफ प्लेग से अपना बचाव करने के लिए। और लेकिन वो जाने के पहले उसने कुंभकोशक के पिताजी ने उसको जो 5 हंडे थे यानी सोने के मुद्रा के वो उसको बताए थे घर में कहां पे वो गाड़ के रखे हैं, और वो फिर चला गया छोटा बच्चा। और 12 इसके माँ बाप और सब गुजर गए वो प्लेग से, 12 साल के बाद वो वापिस आ गया। उसने आकर देखा तो 5 सुवर्ण हंडे वहां पर थे घर में, लेकिन उसने मन में सोचा ये मैंने यदि इस्तेमाल किया तो राजा मुझे जेल में डालेगा कि चोरी करके लाए बोले, इसलिए उसने क्या किया वैसा रहने दिया और मजूरी करके काम करने लगा, और वो हर सुबह में लोगों को जगाना ये वो काम करता था, घंटा बजाने का काम राजा के द्वार पर। और इसीलिए लेकिन एक राजा ने उसने समझ लिया कि ये जो आवाज है इसकी, ये लेकिन किसी तो यानी महान व्यक्ति की आवाज है, यानी सादा व्यक्ति की नहीं है, तो ये कौन है। इसके लिए उसने अपने जासूस भेजा इसका तलाश करने के लिए। तो वो जासूस ने क्या किया, वो जहां पे रहता था वहां पे एक प्रोग्राम आयोजित किया, और उस प्रोग्राम में हर एक ने भाग लेना चाहिए पूजा विधि में, ऐसा उसने कहा। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, तो उसमें थोड़े से कुछ मुद्रा उस सोने के हंडे से निकाला और वो उसमें सम्मिलित हो गया है वो उत्सव में। लेकिन उस वक्त पता चला कि ये, लेकिन वो जासूस ने क्या किया, राजा के सामने उसको पेश किया, भाई ये स्वर्ण मुद्रा आपके पास कहाँ से आए। तो फिर उसने राजा ने कहा तू यदि सच सच बोलता है तो तुझे मैं कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। तो फिर उसने बोला सच सच बोल दिया, क्या हो गया कैसे उसके पास वो 5 हंडे है वगैरह वगैरह। तो फिर 5 हंडे वहां पर ला गए। फिर राजा को बहुत ही सच बोलता है और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, और इसीलिए उसने राजा ने क्या किए उसको खजींदार बोल के अपॉइंटमेंट किए और खुद की लड़की भी उसको दे दिए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि उठानवती सती मतो सुचि कमस्य निसंकारिनो सहतस धम्म जीवनो अपमदस येशो भी वर्ती। जो अप्रमाद में रहता है वही व्यक्ति के यश में वृद्धि होती है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इसीलिए अपने को यानी सकारात्मक भाव में रहना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने मृत्यु के बाद अपनी पहचान रहना चाहिए, ऐसा कर्म अपन करना चाहिए। एक दिन क्या हो गया, एक व्यक्ति ऐसा वर्तमान पत्र पढ़ रहा था, उस वर्तमान पत्र में एक न्यूज थी, कौन सी न्यूज, उसके नाम की न्यूज थी, उसके नाम का व्यक्ति गुजर गया, मृत्यु हो गया, और उसके बारे में लिखा था इसने डायनामाइट का संशोधन किया और बहुत ज्यादा पैसा कमाया, ऐसा स्फोटक व्यक्ति कि जिन्होंने डायनामाइट का संशोधन किया और ऐसे विध्वंसक व्यक्ति मर गया गुजर गया, ऐसा वो न्यूज थी। वो न्यूज पढ़ने के बाद ये व्यक्ति के मन में भावना आ गई, मेरा नाम लेकिन मृत्यु के बाद मेरी पहचानत होना चाहिए, ऐसा कर्म मैं करूंगा। तो फिर उसने समूचे जगत में शांति फैलाने का वो उसने संकल्प किया, शांतता निर्माण करने का पूरे जगत में, और उस कार्य से उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। वो अल्फ्रेड नाम था उसका, अल्फ्रेड, वो नोबेल पुरस्कार उसको मिल गया। इसलिए धम्म बहनों और बहनों,
ऐसा कर्म करना चाहिए कि मृत्यु के बाद अपनी पहचान होना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए। और उसके लिए आध्यात्मिक जीवन यही एक पथ है कि जो संबत्ति की ओर चले जाते हैं। और इसलिए सकारात्मक भाव अपने चित्त में रखना है। एक व्यक्ति सुबह सुबह समुद्र किनारे पर टहलने के लिए गया, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। और वहां पे वो समुद्र को क्या हो गया था, भर्ती आ गई थी। और भर्ती की वजह से वो समुद्र किनारे तक वो क्या हो गए, वो स्टार फिश वहां तक आ गए और वो पानी फिर वोहटी की तरफ, वो समुद्र की तरफ निकल गया। और वहां पे बहुत सारे स्टार फिश यानी वहां पर थी। वो व्यक्ति वहां पर जाता, एक एक स्टार फिश को पकड़ता और वो पानी में, समुद्र के पानी में फेंक देता। लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां पर आता है, वो कहता है ये तो एक स्टार फिश को समुद्र में डाल रहा है, लेकिन उससे क्या फर्क गिरने वाला है। वो व्यक्ति कुछ जवाब नहीं देता और एक स्टार फिश को पकड़ता और समुद्र में फेंक देता। और ये स्टार फिश के जीवन में तो फर्क गिरता है। तो इसलिए धम्म भाई और बहनों, अपने कुछ सकारात्मक होकर एक एक कुशल करना है और आध्यात्मिक जीवन की ओर, संबोधि के पथ के ओर और अपने को पढ़ना है और निर्वाण प्राप्त करना है। धम्म भाई और बहनों, अपन इतने महान है कि जो अपने गुरु ने यही जीवन में अपन संबोधि प्राप्त कर सकते, निर्वाण प्राप्त कर सकते, ऐसा इस जगत में किसी भी धर्म गुरु ने बताया नहीं है, किसी भी धर्म में बताया नहीं है। ये महान संदेश ये तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है, संबोधि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए सकारात्मक भाव प्राप्त करके, अपने सकारात्मक भाव अपने चित्त में बढ़ोतरी करके अपन क्या कर सकते हैं, संबोधि की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये जो 6 पॉइंट दिए हैं भगवान बुद्ध ने, ये उसके बारे में हमें चिंतन करना है और सकारात्मक भाव बढ़ाना है और मन में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्मविहार के भाव में रहना है और मेत्ता का विकास करना है और संबोधि प्राप्त करना है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय नमो मित्र UBS गौतम जी, बहुत बहुत आभार पुण्यानुमोदन सर। इतने वाकई ज्ञान के भंडार हैं आप,